नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल एक बार फिर आप सभी के साथ, लेकिन आज किसी स्टॉक के साथ नहीं हूँ। कोई स्टॉक नया नहीं बताऊँगा मैं आपको, बिकॉज़ मार्केट में अभी क्या सेंटिमेंट्स बनने वाले हैं वो अभी देखना पड़ेगा जब इलेक्शंस के नंबर आएंगे 11th को। बट जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं, ये माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। अगर एग्जिट पोल करेक्ट साबित हुए तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा और उस केस में मार्केट में एक बड़ी गिरावट हम देख सकते हैं और उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। बिकॉज जिस तरह से चार्ट्स का इंडिकेशन है, जिस तरह से ट्रेंड का जो ब्रेक हुआ था, ट्रेंड ब्रेक हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो वीकनेस निफ्टी के चार्ट में है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो किसी फ्रेश बाइंग की अभी सलाह नहीं होगी। फ़िलहाल 11 दिसंबर का वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट में जो नंबर्स हैं, जो इलेक्शंस के नंबर्स हैं वो कैसे आते हैं। मुझे लगता है सुबह 10-11 बजे तक पोजीशन सारी क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह के नंबर्स आने वाले हैं, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। उसके अकॉर्डिंग मार्केट में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो मैं यही कहूँगा कि आपसे समझदारी से, होशियारी से, फ़िलहाल इस हफ्ते बहुत ही वॉलेटाइल वीक हो सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि मार्केट किस तरफ जाएगा, बुलिश बनेगा या बियरिश बनेगा, डिपेंड्स ऑन द जो भी इलेक्शन नंबर्स हैं। बट जिस डायरेक्शन में भी जाएगा बड़ा मूवमेंट दे सकता है निफ्टी। खैर, निफ्टी के चार्ट के बारे में बात करूंगा, साथ ही दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने आप में दिग्गज काउंटर्स हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको इन दोनों ही स्टॉक्स में फ़िलहाल फ्रेश बाइंग से बचना चाहिए और अगर आपको ख़रीदना है तो कौन से वो लेबल्स रहेंगे जहाँ पर आप उनको ख़रीद सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं निफ्टी के चार्ट के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग एक निफ्टी का चार्ट खोलते हैं। 99 पॉइंट्स ऊपर था निफ्टी फ्राइडे सेशन में, ज़बरदस्त उछाल दिया था। बट अगर आप देखेंगे ट्रेंड को, जिस तरह से हमने ट्रेंड का पिछले वीडियो में बात किया था दोस्तों, ये ट्रेंड ब्रेकआउट है। यहाँ पर चूँकि ट्रेंड हमने जब देखा, ये हमारा ट्रेंड कब से चल रहा है, लगभग हम यहाँ से मान के चलते हैं 19 अक्टूबर से, और अब दिसंबर चल रहा है। सो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ यहाँ पर यहाँ से गिरना शुरू हुआ, बॉटम फॉर्मेशन किया, देन ऊपर गया, देन वापस नीचे, और यहाँ पे आके आपने देखा कि एक बड़ी रेड कैंडल के साथ डिप दिया, गैप डाउन पैटर्न में डिप दिया हालांकि। और ये जो गैप है ये लगभग फील होता है 10,750 के आसपास। कल हो सकता है मार्केट में कुछ माइनर सा थोड़ा सा मूव आए, 25-50 पॉइंट का निफ्टी में मूवमेंट आए। बट मुझे लगता है कि अगर निफ्टी को बुलिश मोड में आना है, वापस तेज़ी के मोड में आना है, तो निफ्टी को 10,830 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। 10,830 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद निफ्टी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा। बट अनटिल एंड अनलेस, जब तक ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है निफ्टी में वीकनेस है। और अगर हम यहाँ से बात भी करते हैं तो मुझे हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे ये दिस इज़ द हेड, सॉरी दिस इज़ द शोल्डर, दिस इज़ द हेड एंड दिस इज़ द अगेन, हम लोग बात करेंगे आधा शोल्डर, सेकंड शोल्डर बना सकता है। तो हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न की तैयारी में है और अगर हेड एंड शोल्डर तैयार होता है, हालांकि बहुत माइनर था, छोटा था, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट कहीं ना कहीं एक नज़र आ रहा है कि यहाँ से देखिए ये ऊपर उठा, ठीक है, फिर वापस गया, फिर ऊपर उठ रहा है, और यहाँ से अगर जर्क नीचे की तरफ मोमेंट आया तो जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा वो 10,500 करेगा। और उसके बाद एक अच्छा फ्री फॉल हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है 10,200 या 10,100 के लिए। सो ये डिपेंड करेगा इलेक्शंस के ऊपर। खैर, इलेक्शंस तो अभी परसों तक आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे नंबर्स आने वाले हैं, तो फिलहाल फ्रेश बाइंग से बचेंगे। बट दो काउंटर्स ऐसे हैं, टाइटन और बायोकॉन। टाइटन स्टॉक जो है वो अपने आप में एक अच्छा दिग्गज स्टॉक है, बायोकॉन फार्मास्यूटिकल का स्टॉक है। तो यहाँ पर हम लोग टाइटन की बात करते हैं। क्यों मैं टाइटन के लिए आपसे मना कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया टाइटन में, दिस इज द ट्रायंगल पैटर्न, और यहाँ पर इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक किया एंड नीचे की तरफ आ गया। काफ़ी कोशिश की इसने 10,000 सॉरी 940 का लेवल क्रॉस करने के लिए टाइटन ने, बट अनफॉर्चुनेटली क्रॉस नहीं कर पाए। यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर आप सिंगल टॉप एंड डबल टॉप, और डबल टॉप के बाद आप देखेंगे ये जो डबल बॉटम फॉर्मेशन है लगभग 740 730 ये डबल बॉटम फॉर्मेशन तैयार है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग करते हैं। दिस इज़ द सिंगल टॉप, दिस इज़ द डबल टॉप। ठीक है, ये सिंगल बॉटम और यहाँ पर इसको डबल बॉटम बना सकता है। ठीक है, अब अगर यहाँ से ये गिरना शुरू हुआ, ठीक है, अगर यहाँ से गिरना शुरू हुआ देन फिर यहाँ से एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है टाइटन के अंदर। और मुझे लगता है कि टाइटन में लगभग 650 तक के लेवल हमें अपकमिंग मंथ्स में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में सिनेरियो इसका वीक है। एक तो पहली चीज़ कि ये जो गैप है इसका, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बार बार जब भी मैं टाइटन का चार्ट देखता हूँ डेली ग्राउंड पर, तो मुझे ये जो गैप है ये हमेशा अखड़ता है कि हाउ कुड ये कैसे यहाँ पर इस गैप को मैनेज करेगा। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, दिस इज़ द 3 नवंबर की कैंडल है जो कि काफ़ी वीक कैंडल थी, और इसके बाद एक बुलिश कैंडल आई थी 6 नवंबर 2017 को। ठीक है, काफ़ी अच्छी कैंडल तैयार हुई थी, एंड उसी कैंडल में आप देखेंगे एक हाई वॉल्यूम के साथ, उससे पहले के जो वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कम वॉल्यूम के साथ था, बट एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ कैंडल ने एक गैप बनाया था। तो मुझे लगता है कि जब तक एक अच्छा वॉल्यूम नहीं मिलेगा, जब भी ये गिरेगा, जब इस लेवल पर ही आएगा तो एक बड़े वॉल्यूम के साथ आएगा, यानी कि कुछ बड़ी बिकवाली होगी इस काउंटर के अंदर, और ये काउंटर 650 के लेवल के आसपास आएगा। तो मुझे लगता है कि अभी जो भी लोग हैं टाइटन के अंदर वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ट्रेडिंग करने का जो बेस्ट रजिस्टेंस रहेगा वो लगभग 1000 रुपये का, 980 रुपीज़ का, यानी कि 980 से 1000 रुपये के बीच में आपको हमेशा टाइटन में प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। नीचे के लेवल वही है, आपको 900-915 रुपये के आसपास से आपको लेवल मिलता है, देन बाई कीजिए, देन अगेन 1000 के लेवल पे आप सेल कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी रेंज में चल रहा है। बट फ्रेश बाइंग के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, अगर आप लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टाइटन के अंदर, तो मुझे लगता है कि 650-660 विल बी द बेस्ट लेवल इन द टाइटन इंडस्ट्रीज। ओके, क्योंकि अगर हम लोग मंथली चार्ट पे देखेंगे तो मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पे मुझे लगता है कि जल्दी करेक्शन मोड आएगा। डेली चार्ट पे कुछ आप मूव्स आ सकते हैं, ट्रेडर्स के लिए अच्छा एक मौका रहता है हमेशा से इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करने का, क्योंकि अच्छा वॉल्यूम भी रहता है काउंटर के अंदर। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बताया 650-660 जो है वो बेस्ट लेवल होगा इन्वेस्टमेंट पर्पज से। दूसरा आता है बायोकॉन का। बायोकॉन का जो काउंटर वो अभी 611 रुपये के लेवल पे चल रहा है, उसका जो ट्रेडिंग जोन है वो लगभग 490 से 720 रुपये के बीच में है, यानी कि 490 से 720 के बीच में ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में है। यहाँ से आप देखेंगे 490 स्टार्ट हुआ, देन ऊपर जाते जाते ये वहीं यहाँ पर ये 718 के आसपास पकड़ रहा है, देन यहीं पर ये जिगजैग मोशन करता हुआ यहाँ पर इतना हाई टच किया 718 का, देन बॉटम में आया यहाँ पर कुछ इसका लगभग 570-574 के आसपास। तो ये कुछ रेंज में ट्रेड करता हुआ अब डाउनसाइड की तरफ आता हुआ, तो मुझे लगता है ये काउंटर 450-460 के बीच में बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें भी एक गैप पैटर्न तैयार है और इसमें भी गैप चल रहा है। तो जब तक ये गैप पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि इस काउंटर के अंदर प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो यहाँ पर भी एक गैपिंग इस गैपिंग को फिल करने के लिए ज़रूर आएगा आने वाले टाइम में, बट कितना टाइम लेगा ये अभी कहना मुश्किल है। बट अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो मुझे लगता है कि 450 से 460 की रेंज बेस्ट बाइंग पोजीशन रहेगी बायोकॉन के भी अंदर। ट्रेडर्स इसमें ट्रेड कर सकते हैं 490 500 से इसका डाउन साइड है, और लगभग 720 रुपये इसका अप साइड, यानी कि 490-500 रुपये तक काउंटर अगर आपको मिलता है तो आप लोग उसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं विद एन स्टॉप लॉस 485-490 फॉर द टारगेट ऑफ 700 एंड 720 के लिए। वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग जोन है, बट जो इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में अगर एक अच्छी गिरावट काउंटर में या सेक्टर में आती है तो बायोकॉन में हमें लगभग 450 से 460 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वो ही आपके लिए बेस्ट लोकेशन होगी, बेस्ट पोजीशन होगी, जिन प्राइजेस पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बायोकॉन के बारे में बताया, कुछ फ्रेश स्टॉक के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज अभी अगले 2 दिन पहले मैं मार्केट वॉच करूंगा कि मार्केट में किस तरह का मोमेंटम आने वाला है, और आप सभी से यही कहूँगा कि अपने अपने काउंटर्स में भी आप लोग एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें, क्योंकि मार्केट में अगर गिरावट आई, अगर बीजेपी ने तीनों स्टेट्स में, जो तीन बड़े स्टेट्स हैं उसमें इलेक्शन लूज़ किया, सो डेफिनेटली एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, जो कि वापस निफ्टी को 10,000 के लेवल तक भी लेके आ सकती है। सो दोस्तों, ये हमने बात किया अपकमिंग वीक्स का सिनेरियो कि क्या होने वाला है मार्केट में, इलेक्शंस के नंबर आने के बाद क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। और दो स्टॉक्स हमने बताए जो कि फ़िलहाल अभी बाइंग टेरिटरी में नहीं है। अगर आपको इनमें बाइंग करनी है, अगर आपको सजेशंस मिल रहे हैं बाइंग के, तो फिलहाल आप इनके बॉटम का वेट कीजिए। राइट टाइम पर एंट्री लेंगे तो आपको बेहतर मुनाफे मिलेंगे। सो अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे कुछ और रिव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। स्टॉक्स तो बेहतर है बट समय अभी अनुकूल नहीं है, तो कोशिश कीजिए, उस समय का इंतज़ार कीजिए और सही समय पर ही आप सही निवेश कीजिएगा दोस्तों। सो अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ कुछ और काउंटर्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग टाइटन और बायोकॉन पर अपने एनालिसिस कीजिएगा। कुछ अपडेट्स मिलते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, जिससे मैं और भी यूज़र्स के साथ उन रिव्यूज़ को शेयर कर पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।